अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहे मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले हम आपको हमेशा की तरह सस्ती शायरी सुनाएंगे, लेकिन 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 आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है। अगर आप कल की वीडियो से पहले पहले इस वीडियो पे 80,000 लाइक्स करते हो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, तो मैं फिर एक्स सूट का गेम प्ले अपलोड करूँगा, आई प्रॉमिस। मतलब मैंने वो अकाउंट फिलहाल ओपन नहीं किया, आपको पता कि मैं कॉन्कर करके छोड़ दिया। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उससे पहले पहले 80,000 लाइक्स करते हो, तो मैं एक्स सूट का जो हमारा गेम प्ले है वो पोस्ट कर दूंगा। हम एक्स सूट पहन के खेलेंगे अपने मेन अकाउंट से और फिर वो गेम प्ले पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ 80,000 लाइक्स कर देना। खैर, सुनाते हैं सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है, वाह कीजिएगा थोड़ी, सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि मटर को छीलो तो अंदर से निकलते हैं दाने। वाह 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 वाह, अल्फाज देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ बाबा जी मज़ा आने वाला है आप सबको, कि मटर को छीलो तो अंदर से निकलते हैं दाने। एनिमीज को ढूंढने का जब टाइम आता है तो मेरे टीममेट्स हो जाते हैं अंधे और काने। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। मतलब जब एनिमीज हमें मार रहा होता है तो हमारे टीम में बोलते हैं कहाँ नज़र नहीं आ रहा है, माँ कर दे, कहाँ है भाई, दिखा दे, खुद खुद मार रहा है, बता दे कहाँ है। फिर हमारे टीम में ऐसे करते हैं, और मतलब जो हम मार्क भी करेंगे ना, फिर बोलेंगे कहाँ मार्क किया, नज़र नहीं आ रहा, दोबारा बता दे, एक बार बता दे कहाँ मार्क किया मेरे भाई प्लीज़। फिर ऐसे करते हैं। खैर, मेरी नानी सुन ली कि आपको हंसाने की एक छोटी सी कोशिश थी, और होप सो मैं कामयाब हो गया और आपको हंसी आई होगी, एटलीस्ट मुस्कुराहट तो आ ही गई होगी आपके चेहरे पे। पब्लिक, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना डबल डीपी चलाऊँगा। मतलब डबल डीपी चलानी है पूरी गेम में, और कोई गन यूज़ नहीं करती करनी। तो मतलब लॉन्ग रेंज में तो आपको पता है डीपी हम चला ही लेते हैं, बट क्लोज में भी आज हम डीपी चला रहे थे। अच्छी गन है, आजकल आपका रनमेज दीवाना है वो है डीपी का। तो हमने डबल पर्पल डीपी अपने कंधों पर लटका ली थी, और बाबा बना हुआ था मैं, बाबे वाला सूट पहना हुआ था मैं। फिर हमने 3 सीटर उठाया, जिसको मतलब हमारी लैंग्वेज में भाई दोस्ती कहा जाता है, कि चलो भाई दोस्ती उठाई और बिठाया अपने टीममेट को। अब जॉर्जो यानी लाहौर हम आए थे, और पता नहीं क्या होता है भाई, हम हॉल ड्रॉप करेंगे जहाँ पे बंदे आने की उम्मीद होती है हम वहीं जाते हैं, पर अक्सर बंदे भाई आएंगे ही नहीं। पता नहीं उनको पता चल जाता है यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर ये मारने के बाद वीडियो बना देगा और बोलेगा मौत कर चुके, वापस आ गए, फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल लोग आते ही नहीं है वहाँ पे। खैर, वो सामने बॉट लड़ रहे थे आपस में। यहाँ पे गैस बंदे थे, आज जब हम आए तो आपने लेफ्ट भी देखा होगा कि छतों पे गोल्डन हाउस की छतों पे चढ़े हुए थे बंदे, तो उनको मैंने देख लिया था। बट पहले मैं जानना चाहता था सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग की छत पे मैं खुद नहीं जाना चाहता था। जब भी आप आते हो सिटी में मेरी एनोनिमस की पब्लिक, तो कभी भी छत पे मत जाओ, क्योंकि जो सामने वाले अगर बंदे हैं सामने वाली बिल्डिंग्स पे, तो वो छत पे जब चढ़ते हैं ना गोल्डन हाउस वाले, उनको एंगल मिलता है बड़ी बिल्डिंग की छत का, और वो आपको ईजी नॉक फिनिश कर सकते हैं। हाँ, अगर आप छत पे जाना चाहते हो इन 3 बिल्डिंग्स की, तो आपको सबसे जो रोड वाली साइड वाली बड़ी बिल्डिंग है आप उसकी छत पे जा सकते हो। वहाँ से जो है ना गोल्डन हाउस से आपको कवर मिलता है, और आपको कोई मार नहीं सकता। तो ये पहले मुझे लगा इधर बंदे हैं, तो इन पे पहले रश करके इनको मारा जाए, क्योंकि ये हमारी वाली साइड पे हैं। लेकिन ये बॉट भैया थे, फिर हमने बॉट भैया को मारा, और इनकी करेंगे लूट बाबा जी, क्योंकि किल का भी नो मजाक और लूट का भी नो मजाक, लॉ ऑफ एनोनिमस। अब यहाँ पे मैंने अपना बैग गिरा दिया था, मैं कह रहा हूँ अभी मेरा बैग खाली था, एकदम से फुल कैश हो गया। एमओ रिलोड कर रहा हूँ, सोच ही जा रहा हूँ, फिर देखा तो मेरा बैग यहाँ पड़ा है, एलओएल लॉल। तो उसके बाद हमने ये देखो भाई, एक तो ये इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आता है ना, हम लूट कर रहे होंगे, हमारे टीममेट भी सेम क्रेट से लूट कर रहे होंगे, और फिर हम कुछ उठा रहे होंगे, हमारे हाथ में कुछ आ जाएगा। अगर ये आपके साथ बोलते तो लाइक बटन ठोक के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पब्लिक। फिर मैं फाइनली छत पर आ जाता हूँ, फ्लेयर मेरे पास थी तो हमने पिचकारी चला दी भाई, और इसका रीज़न ये था कि हमें रश ना करना पड़े, गोल्डन हाउस वाले सामने वाले बंदे हम पे रश करें। ये आपके एनोनिमस की ट्रिक थी भाई, अकल इस्तेमाल कर रहे थे हम, और मेरी ट्रिक काम भी कर गई, क्योंकि वो देखो गाइस छत पे जंप कर रहे हैं। जब देखिए उन्होंने फ्लेयर, उनके मुंह में आया पानी, ओए होए फ्लेयर आ जाओ रश करें। देखो भाई दोनों जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब एनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनोनिमस का बीपी, और हो गया बेचारा कवर में जाता जाता है नॉक हो गया, और दोनों इतनी गलत जगह पे जाके नॉक हुए कि उनको बचना, उनका बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि जैसे ही भाई लोग क्रॉस करें, आखिरी बंदा था पब्लिक इनका, कि जैसे ही ये क्रॉस करे मैं इसको भी भाई लॉबी भगाऊं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चाल खेली, थोड़ी सी अकड़ इस्तेमाल की, कि अपने टीममेट को बोला मैं इसको क्रॉस नहीं करने दूंगा, ट्राई करूंगा रोक के रखूं, आप जाओ फर्स्ट बिल्डिंग में, सबसे उधर वाली बिल्डिंग में पब्लिक। फिर ये बंदा भागते हैं, मैंने इसको डैमेज दिया, आई गेस नहीं दिया, ओके सॉरी नहीं दिया।
तो स्मोक के अंदर ये वॉल पे आ जाता है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये ना यहाँ पे बच गया, इसने स्मोक्स एक तो इसके स्मोक्स ठीक हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो मैं चाल खेली थी, जो मैं कल इस्तेमाल की थी अपने टीममेट को आगे भेजने की, वो काम कर गई, क्योंकि दोनों बंदे नॉक पड़े हुए थे, इसको देना था रिवाइव। ये बेचारा सोलो बंदा और कुछ कर नहीं सकता था, तो मेरी टीममेट से वहाँ पे नेड कर दिए, मॉली कर दिए, और इससे वो लोग मर जाते हैं। ओके, तो मेरा एक किल नहीं मुझे मिलता, हालांकि मैंने दो नॉक किए थे, मुझे जस्ट एक किल मिलता है यहाँ पे, क्योंकि एक बंदा रिवाइव हो जाता है, फिर इनकी मॉली से इनकी नेट से सब मर जाते हैं, और ऐसे मौत को छू के टक से वापस आ जाते हैं नींद में, और हमें बड़ी अच्छी लूट मिलती है। लूट दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आए हैं पब्लिक लूट दिख रहे हो, लेवल 3 का हेलमेट 4x पे है। आप वीडियो क्या देख रहे हो, आप भी आके लूट लो। आपको दिखाने का मकसद ये होता है पब्लिक कि आपके मुंह में पानी, आपका दिल करे नॉनिमस भैया हम भी ये क्रेट लूट लेते। आए हाय हाय, मतलब एक्टिंग देख रहे हो कितनी सस्ती एक्टिंग करता हूँ मैं। खैर, हमारी जो पिचकारी हमने चलाई थी, तो हमारा ड्रॉप आ चुका था, ड्रॉप में था और सॉरी MK14 और AUG थी, और मैं दोनों गन यूज़ नहीं कर सकता था। बट भैया मेरा GD ज़्यादा होगा। अले 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 अले, बहुत भैया थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई KD हाई। अब मैंने DPP रिलोड की, एमओ वगैरह उठा ली। देखो कितनी एमओ, इतनी ज़्यादा एमओ मेरे पास 370 एमओ है 7 की, फिर भी उठाई जा रहा हूँ रिलोड कर करके, इतना भूखा हूँ मैं लूट का। गिली सूट हमने उठा लिया था, जो कि कभी हमेशा गीली होती है, सूखती तो है ही नहीं है सूट। वाओ नाइस जोक है ना, कितना हमेशा गीली होती है ये सूट, सूखती नहीं है। खैर, बड़ी बड़े सस्ता जोक मारने के बाद हम अपनी जो दोस्ती है 3-सीटर उस पर बैठेंगे और दोबारा से बंदे ढूंढने के लिए निकलेंगे, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सिटी को हमने अलविदा कहा और निकल लिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमारी अब दाल गलने नहीं वाली थी, किल विल थे नहीं, बंदे बचे नहीं थे, तो हम यहाँ से फ़ौरन से निकले और फिर आके हमने उठाई गाड़ी। गाड़ी उठाने के बाद अनोनिमस पब्लिक, मतलब मेहरान गड्डी, जब तक अच्छा मैं भी अब गाड़ी बोलता हूँ ना, आपको भी अजीब लगता होगा, हैं अनोनिमस भैया ने गाड़ी बोला, नहीं आज मेहरान गड्डी नहीं बोला, आज UAZ नहीं बोला, आज कैरे डब्बा नहीं बोला। आप लोगों की भी आदत हो गई होगी मेहरान गड्डी सुनने की। तो उठाई हमने अपनी मेहरान गड्डी और बकाई यहाँ से सीधा रोज़ा के नहीं पेशावर की तरफ, वहाँ से पब्लिक आके देखता हूँ दो दो फ्लेट चली होती हैं। आए हाय दिल गार्डन गार्डन हो गया हमारे जो है ना, वो जो बंदे जो फाइट ले रहे थे ना MK वाले भाई, ये भी स्कूल अपार्टमेंट्स यानी अनोनिमस अपार्टमेंट में ही थे। तो हम भी यहाँ पे अपनी एंट्री, धासू की एंट्री मारते हैं, टाउन और नूबड़ा आ गया बंदे मारने के लिए, DP हमारे हाथ में थी, और यहाँ पे देखना एकदम हमारी हवा टाइट हो जाएगी। ये ऊपर गए, छोड़ूंगा नहीं आज, खा जाऊँगा अपने DP से। भाई मजाक कर रहा था भाई, मैं मेरा हेलमेट बस ख़राब कर दिया भाई आपने, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। तो नीचे आके हील वगैरह की, अपनी टीममेट को बोला सबर करो, बंदे ने मेरी हेलमेट सॉरी वेस्ट उड़ा दी, हेल्थ खा गया, हेल्थ उसकी भी कम हुई होगी, पर जितनी HP उसकी कम हुई थी उतनी मेरी हो गई, ना वो नॉक हुआ ना मैं नॉक हुआ। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा सबर किया, बूस्ट वगैरह मैंने किया, और यहाँ पे पब्लिक मैं आपको प्रॉपर सारी फायर दिखाने वाला हूँ अपार्टमेंट की, एक सेकंड की भी कटने की मैंने, ताकि आप देखो, आप इंजॉय करो, आपको कुछ सीखने को मिले, आप नूबड़े को देख के हंसो भी सही क्या क्या हरकतें कर रहा, तो एक इंजॉय करने के लिए मैंने आपका नाम मतलब यहाँ से तरह भी सीन कट नहीं किया। एक नेड करता हूँ, इसका रीज़न ये था कि ऊपर जाने की जगह बन जाए मेरी, मुझे कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे बंदे नहीं हैं। एक नेड निकाला, उसके बाद अब मैं एक और नेड करना चाहता था, तो मैंने सोचा पहले वो बाहर वाली साइड से जाके किया जाए। ट्राई कर रहा था कि एक नॉक निकल आए, जैसे वो नॉक निकलता उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और मैं मतलब ऊपर जा सकता हूँ, तो वो नॉक नहीं मिल रहा था। 3 नेड अभी भी हमारे पास थे, आपको बताया कि आपके जो अनोनिमस हैं वो नेड की दुकान है। वाह 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 वाह, एनिमिस के लिए मौत का सामान है, आपके अनोनिमस नेट की दुकान है, सस्ती जा रही विद अनोनिमस। देखो बैठे बैठे बना ली, बड़ी बकवास से बनाई पर बना ली। खैर नेट निकाला दोबारा से और फिर से मैं ट्राई कर रहा था कि भाई नॉक मिल जाए, बट नहीं, जब आपकी किस्मत में नॉक नहीं होता ना फिर नहीं निकलेगा। समटाइम मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि समटाइम ऐसा होता है एक नेट से आप 2-3 बंदे भी मार देते हो, और समटाइम ऐसा होता है आपके पास 10 नेट हो आप एक बंदा भी नॉक नहीं कर सकते। तो हमने अपने काफ़ी ज़्यादा नेट ज़ाया कर लिए थे मेरी एनोनिमस की पब्लिक, और उसके बाद मैं छत पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे साउंड आता है कि छत पे कोई नहीं है, सारे नीचे वाले फ्लोर पे हैं। अब मेरी टीममेट को मैंने मना भी किया था कि आप फाइट मत लेना, ऊपर आ जाना, इन्होंने यहाँ पे फाइट ली और ये हो गए नॉक। अब मुझे इनको बचाना था, इनको मैंने बोला भाई आप सेफ जाओ, अब वो नीचे हैं मैं ऊपर वाली साइड पे हूं, तो मतलब उनके लिए उनको बचाने के लिए सीधा नीचे जाना, तो ये बंदे मारेंगे मुझे। तो मैंने ना यहाँ से जाने के लिए अपनी गेम खेलना स्टार्ट की। अब गेम क्या खेली कि यहाँ पे मॉली वॉली फेंकी पहले, तो उनको डराने के लिए स्मोक वगैरह कर दिया, नेड वगैरह कर रहा था कि जगह बन जाए और उसके बाद मेरे नीचे जाने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। तो जब ये मॉली ख़त्म हुई मुझे एक मौका मिल गया पब्लिक नीचे जाने का, पर ये नीचे जाने के बाद ना अचानक से बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है हमें। देखो अब यहाँ जो बंदे हैं वो तो हैं, बंदा नॉक करके नीचे जा चुका और जहाँ मैं जाता हूँ वहीं खड़ा था। ओ भाई साहब शुक्र है इसको देख लिया, ये वहाँ ऊपर से मार के मेरी टीममेट को नॉक करके नीचे आ जाता है कि रिवाइव देने आएगा, मार दूंगा। कितना चिल्लाक था भाई, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी चिल्लाक, वेरी 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 यस। फिर हमने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, और उसके बाद जो है अभी अच्छी बात हमारे लिए ये थी
कि इनका एक बंदा फिनिश हो चुका था, और आपको पता है कि अगर एक एक आप एक एक बंदा फिनिश कर दो तो आपके लिए गेम इजी होती जाती है, और आपको जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है वो एक अलग चीज़ होती है। डीपी दोनों मैं यूज़ कर रहा था और बार बार रीलोड करनी पड़ रही थी, और ये डीपी होती भी काफ़ी लेट रीलोड है, लेकिन गन मज़े की है, क्योंकि जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है हमेशा बीपी, लेकिन फिलहाल तो हम नेट चला रहे थे और वो ना इतने मतलब ये नहीं थे कि बुरे प्लेयर थे, नहीं प्लेयर भी अच्छे थे और वो गलती कैंप कर रहे थे बस, वो ना मतलब जिंदा रहना चाहते थे कि यहाँ पे ज़िंदा रह के निकला जाए, और ये कैम्प कर करके ट्रिक यूज़ कर करके उन्होंने अंदर रुकने वाली पहले भी कितनी ज़्यादा क्रेट्स बना रखी थी। गाड़ी की स्क्रीन भी देख लो अच्छी थी, जैसे मैंने यहाँ जंप किया आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा खेलने वाले थे, इन दोनों को पता चल गया कि मैं यहाँ जंप कर चुका हूँ, दोनों भाग के उसी विंडो पर आ गए। तो अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कैंपर हैं अच्छा नहीं खेलते, नहीं ठीक ठाक खेलने वाले थे पर कैंप कर रहे थे दोनों अंदर। लेकिन भाई कुछ भी हो, सारे कैंपरों का सारी बीमारियों का इलाज है आपके एनोनिमस के पास, ठीक करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन मत लो। अब मैंने अपने टीममेट से मांगे नेट के, भाई हमें नेट दे दिए जाएँ और ज़्यादा, और अब इन नेट से जो ना हमारे नेट पे तो लिखा नहीं था इनका नॉक होना, इनके नेट्स पे ज़रूर लिखा है हमारा नॉक होना, तो वो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मैंने दो स्मोक्स किए, अब स्मोक में आके नेट करने का मेरा प्लान था, लेकिन वो ना साउंड ले रहे हैं, उनको भी पता चल गया था मार्क से और साउंड से मैं नेट कर रहा हूँ, तो उन्होंने गोलियाँ मारी और आप देखो मुझे लग भी गई, वो नेट मेरा ज़ाया गया, लेकिन ये वाला नेट मेरा परफेक्ट था। मेरी एनोनिमस वाली फाइनली उनके कच्चे में जाके, लूटर भैया के कच्चे में जाके, और मैं यहाँ पे ना एक जोक बन रहा है 18+ वाला, वो मैं बोलना नहीं चाहता, लूटर भैया के बम में जाके, हाँ अब आप समझ सकते हो पाकिस्तानी हो ना तो आप घुमा फिरा के समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा था, लूटर भैया के बम में जाके नेट फंस गया, अब फट गया सॉरी, अब आप समझ गए कि मैंने क्या बोलना था। अब मेरी एनोनिमस वाली आखिरी बंदा ना अंदर घूम रहा था, और फिर उसको उस पर मैं रश नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नॉक फिनिश कर देता, उसके बाद थी भी एम के मेटी मेटे मॉली की थी और मैं वो बाहर ना आए तो प्री फायर मार रहा था और वो बेचारा मॉली से नॉक हो जाता है, तो ये एक हमारे लिए अच्छा सीन हो गया था कि उसको नेट से नॉक होकर वो फिनिश हो जाता। भाई दोनों गलती कैम कर रहे थे, लूटर और शिकारी अंदर बैठ गए, जा नहीं रहे थे पब्लिक। अब इनका एक बंदा था वो आया और दूसरी बिल्डिंग में था दूर, आया और जब इसके टीममेट मारे वो भग गए बग्गी लेके, तो हमने पहले लूट की सर्कल आ गया था, लेकिन लूट ज़रूरी है भाई, इतने हमने अपने नेट ज़ाया कर दिए, इतनी अपनी हीलिंग मालिश वाली स्मोक वगैरह ज़ाया कर दिए, अब यहाँ पर लूट करना तो बनता है, तो पहले अच्छे से लूट किया, उसके बाद उठाई अपनी लेवल 3 की UAZ कैरी डब्बा भगा के हम लोग सर्कल में जा रहे थे। लेफ्ट पे ना गए बग्गी खड़ी नजर आई, मुझे लगा बग्गी में बंदा है ये हील कर रहा होगा इनका टीममेट, लेकिन बग्गी खाली थी। फिर मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर राइट पर गाड़ी खड़ी होती है, मैंने अपनी लाइफ में इस जगह गाड़ी स्पॉन नहीं देखी, तो मैं समझ गया गड़बड़ है। मेरी टीममेट ने भी देखा कि वहाँ पे बंदा लेटा हुआ है, और मैंने यहाँ पे रोका तो मुँह पे बंदा था, पब्लिक ये देखो बिल्कुल यहाँ पे कैंप कर रहे हैं भाई, ये गाड़ी कैंप कर रही थी, तो कान के नीचे लगाया, लकी भैया को अनलकी कर दिया और दूसरे वाले भैया को भी मारा, लेकिन मेरी टीममेट ने मेरा किल चुरा दिया। देखा मैंने हेड शॉट मारा, बॉडी शॉट मारा, लेकिन उन्होंने ऑम मारी, उनका भी हेड शॉट लगा बट मैंने डैमेज बहुत ज़्यादा दे दिया था, उनके पास स्नाइपर था तो एडवांटेज उनको किल मिल जाता है, लेकिन भाई इन्होंने जहाँ पे कैंप किया था ना दोनों ने कैसे रोड पे लेटे हैं कि गुजरेंगे मार देंगे, ये भाई थोड़ी सी इतनी अपने अकल इस्तेमाल की मेरे भाइयों, मेरे प्यारे सोने मखनों, मेरे मक्खन मलाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, इतनी अपने अकल इस्तेमाल की, आपको थोड़ी सी और करनी चाहिए थी। गाड़ी इस तरफ लगाई हुई है जहाँ कभी स्पॉन होती ही नहीं है, गाड़ी लेफ्ट साइड लगानी चाहिए थी, मुझे शक हुआ भाई यहाँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में गाड़ी नहीं लगी देखी, इधर गाड़ी कैसे लग गई रेड वाली, तो बग्गी तो ठीक लगी थी, तो मुझे शक हुआ और हमने फ़ौरन से बंदा स्पॉट किया और फिर मारा। यहाँ पे लेफ्ट पे गोलियाँ चल रही थी आप मैप में देख सकते हो पब्लिक, पर इसमें फ्यूल नहीं था, तो हमने दोबारा से अपनी लेवल 3 की जो UAZ है कैरी डब्बा उसको उठाया, थोड़ा सा के जान लगा, तो जहाँ पे गोलियाँ चल रही थी वहाँ पे मुझे बंदा नज़र आता है, पर वो दरख्त के पीछे था, तो मतलब वहाँ से हम ग्लिच हो रहा था जब हम गाड़ी में थे, जब उतरा तो वहाँ पे दरख्त आ गया LOL। फिर मैंने टीममेट को बोला भाई आ जाओ थोड़ा क्लोज चलते हैं हम, फिर थोड़ा सा क्लोज गए, वहाँ पे एक बंदा लेटा नजर आता और एक बंदा नॉक पड़ा था, मतलब दो फ्री के किल थे। आए हाय सर जी, हमने तो आपका देखे नहीं, टैप 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 टैप, भाई कितनी गोलियां मारी, टी भैया को हमने नॉक किया, फिर जो किल था वो चुराया और फिर टी भैया का किल कन्फर्म किया, दो किल अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से उठाए। फिर हम दोबारा से अपनी लेवल 3 की UAZ को लेके आगे चले जाते हैं। पब्लिक प्लीज़ बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग के लिए डेली कॉन्टेंट लेके आ रहा हूँ, तो लाइक कर देना लाजमी, सब्सक्राइब कर दिया करो यार अगर नहीं किया अभी तक, और शेयर वगैरह करके थोड़ी सी हमारी एनोनिमस की पब्लिक ज़्यादा करवाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, आप लोग का सपोर्ट भी बहुत है, पर थोड़ी सी पब्लिक ज़्यादा करवा दिया करो पब्लिक। अब वो बंदे जिनसे फ़ाइट ले रहे थे ना वो दूसरी साइड थे, हमने थोड़ा सा उनका वेट किया ना, वो आगे आ रहे थे अपनी बग्गी लेने ना हम जोन में जा रहे थे, तो मेरे टीममेट को बोला भाई आप गाड़ी लेके चले जाओ थोड़ा सा आगे अलग एंगल पे, सर्कल आ गया पर वो लोग नज़र नहीं आते, तो वो राइट से कब नीचे वाली साइड आ गए जिनसे वो दो बंदे टी वाले बंदे फाइट ले रहे थे मुझे पता नहीं चला।
फिर मैं ना थोड़ा अलग एंगल पे आके देखने की कोशिश करता हूँ कि इतनी देर तक वो जोन से बाहर नहीं रहेंगे, जोन में तो आगे होंगे। जब यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट राइट आगे पीछे देख रहा होता हूँ, तो फाइनली मुझे एक बंदा नजर आएगा ऊपर आ रहा होगा पत्थर पे। देखा पत्थर पे कोई नहीं था, लेकिन ये बंदा यहाँ से ना भाग के ऊपर आ रहा होता है। इसने हमें स्पॉट नहीं किया, वरना ये मुझे नॉक कर सकते थे, मुझे इनकी पोजीशन नहीं पता था। सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया किंग भैया को। फ़ौरन से इनका किल कन्फर्म किया, नीचे से इसका टीममेट कवर देता है। सर जी अब यहाँ हैं, लेकिन उसके पास M3 और M4 थी, पर मेरे पास एंगल नहीं था। फिर मैं टीममेट को बोला, भाई आप थोड़ा लेफ्ट से मारो, मैं थोड़ा राइट से जाके मारता हूँ। अगर ये आप मेरी तरफ से कवर में जाएगा आप मारना, आपकी तरफ से कवर में जाएगा मैं मारूंगा। तो वो गए, उनको एंगल मिला और वो स्प्रे दे रहा था, इनके पास ऑम थी, तो उन्होंने कान के नीचे लगा के लॉबी भगाया। ऐसे सरकार भैया जो हैं वो चले गए वापस में लॉबी, और जोन आने वाला था 20 सेकेंड थे। काफ़ी देर हमने इनका वेट किया था पब्लिक यहाँ पे, तो जोन आने वाला था, तो हम फ़ौरन से निकल लिए सर्कल में बूस्ट मार के। सर्कल काफ़ी छोटा था, आधा सर्कल सिटी में था, लेकिन उस हिसाब से बंदे इतने अलाइव नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। लॉबी ठीक थी, लॉबी बुरी नहीं थी, लेकिन बंदे एंड में कम अलाइव रह गए थे। जैसे हम सर्कल में जा रहे होते हैं, यहाँ मुझे एक बंदा भागता नजर आता है कि भाग के ना पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पैदल है। तो मैंने फ़ौरन से अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकी और भाई साहब को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं कि सर जी वेयर आर यू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कहाँ हो मेरे यार, हावर वंडर व्हाट यू आर। डीपी पड़ेगी यार, वाह वाह बकवास। विद एनोनिमस कान के नीचे लगाया, अकमल भैया को कामरान बनाया, DW अकमल भैया को, और उसके बाद की इनकी मदद से लूट, और लूट करने के बाद हील वील करेंगे। देखो अच्छा अच्छा वाला वेस्ट, अच्छी वाली वेस्ट थी मेरी, ड्रॉप से उठाई थी सारी ख़राब हो गई। फिर हम यहाँ से निकले, इसी क्रेट से मैंने Level 2 की वेस्ट उठा ली थी, जो कि मैं ख्याल नहीं उठानी चाहिए थी, बट वो फुली डैमेज थी तो मैंने उठाई Level 2 की, थोड़ी तो डैमेज नहीं है। पहले मैं गाड़ी डिसाइड करता हूँ कि गाड़ी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लेके जाएंगे, पर यहाँ से इतना कोई अच्छा एंगल नहीं था फाइट लेने का, तो मैंने डिसाइड किया भाई 3 स्टोरी में जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट जो स्क्वाड्स वाले कंपाउंड थे वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी, तो बड़ी बिल्डिंग से एंगल ना मिलता, यहाँ से एंगल मिलता, तो मैं इस वाली साइड पे आके ना एमओ वगैरह उठा रहा था। देखो भाई 400 एमओ है, अभी भी आपके एनोनिमस का पेट नहीं भर रहा है, एमओ उठा रहा हूँ यहाँ से। और फिर मैं देखता हूँ बंदे क्या है, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, स्मोक करके घूम रहे हैं। अब भाई साहब जोन में भाग रहे थे, मैंने थोड़ा स्कोप छोटा किया, भाई के आने का वेट किया। आह वाह 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 वाह, भाई जोन में जा रहे हैं, स्नाइपर टावर में जा रहे हैं। तो किंग भैया को डाउन किया, उनके टीममेट फ़ौरन से कवर देने लग जाते, अभी हम इनसे फाइट ले रहे थे, और इतनी देर में ना पब्लिक अचानक से हम लोग सैंडविच होने वाले थे, बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब जो ये बंदा था ना, इसने अपने टीममेट को बचाना था, ये कर रहा था स्मोक वगैरह, ये पैदल भागना नहीं चाहता था ना, इसका टीममेट बोल रहा होगा भाई पैदल वाला सीन है। भाई जैसे सामने आया मैंने हेलमेट उड़ाया DP का हेड मार के, और वैसे आपको मेरा DP चलाने में मज़ा, देखने में मज़ा आता है पब्लिक, ये नहीं आपका नाम उसने एक दिन DP मास्टर बनेगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोग देखोगे और आप खुद बोलोगे ना भैया आपकी DP अलहमदिल्ला बहुत बेटर हो गई। तो पब्लिक अब मैं इसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ, इतनी देर में ना मुझे साउंड आता है कि पीछे जो बड़ी बिल्डिंग थी ना वहाँ से बंदे रश कर रहे हैं, मॉली वॉली कर रहे हैं। ये देखो पब्लिक मॉली आती है, मेरी टीममेट नेट से नॉक हो जाती है, और अब मैं इनका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। यहाँ पे तो मैं क्या निकाला, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखोगे मुझे पता था रिवाइव नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पर आया और ये DP हमारी क्लोज में, आहा हा, भाई को फ़ौरन नॉक फिनिश किया, इनके टीममेट आएंगे गुस्से में। अब इनको कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए, फिर अपनी टीममेट को रिवाइव दिया पब्लिक। और उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके ना सर्कल में चले जाते हैं, क्योंकि सर्कल काफ़ी दूर चला गया था हमसे। अब एक बंदा बचा होता है, 13 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं वो आखिरी बंदा है कहाँ। फिलहाल हम सर्कल में थे तो गाड़ी नहीं घुमा रहे थे, और मुझे डर ही लग रहा था ये ना गाड़ी घुमाए और बंदा स्प्रे करके दोनों को गाड़ी से उतार दे और ऐसे हम हार जाएं। तो मैं थोड़ा सा अलग एंगल पे आ जाता हूँ, और मतलब अलग एंगल पे आने का एक रीज़न था कि अगर वो एक ही स्प्रे में दोनों को ना मार दे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कवर नहीं थी। अब जोन हमारे पास से चला जाता है मेरी एनोनिमस की पब्लिक, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ आज भी गाड़ी में ढूंढते हैं, अब जहाँ मिला फ़ौरन से जंप वम करके उतर के मार देंगे, इतना टाइम नहीं लगाते। तो फिर ये हमारा फाइनल होता है कि गाड़ी में ढूंढेंगे, गाड़ी में बैठते हैं, बूस्ट मारते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, ढूंढते हैं आखिरी बंदे को, मामे हीर देखो ये कहाँ छुपा है। जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं ना भाई साहब, वो भाग रहे होते हैं, खड़े हो जाते हैं अचानक से, स्प्रे करने लगते हैं। मैं कर देता हूँ गाड़ी से जंप और थोड़ा सा डैमेज देता हूँ उसको, लेकिन इसका एम मुझ पर लगता है, मेरी टीममेट इसको मार देती है, और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जरूर बताना। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। बहुत दिन हो गए हमने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ जैसे ये वीडियो फिनिश होती है एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ोगे, मतलब बस वो हम जब भी दुरूद पाक पढ़ते हैं अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं, तो हम दोबारा सब लोग जो है ना ऐसा सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ेंगे ऐसे ही बस, अपने ताकि हमें भी सवाब मिले अपने अपने सवाब के लिए और
अल्लाह ताला हमसे राजी हो, इसलिए हम वीडियो फिनिश होने के फौरन बाद रुतबा के एक बार लाजमी पढ़ेंगे सबके सब। बड़े दिनों के मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की।